2 जून को ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे के बीच सबसे ज्यादा चर्चा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लेकर हुई। एक ओर जहां विपक्ष घटना की जिम्मेदारी लेते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी ओर उनके समर्थक इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि रेल मंत्री वैष्णव ट्रेन हादसे के बाद से ही घटना वाली जगह पर डटे रहे। 51 घंटे तक वो बालासोर में ही हादसे वाली जगह पर मौजूद रहे। उनकी कई तस्वीरें सामने आई। 51 घंटे बाद ही उस ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई। वैष्णव ने अपनी निगरानी और मौजूदगी में जिस तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया, उसकी भी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा और तारीफ हो रही है। दरअसल अश्विनी वैष्णव का बालासोर से एक पुराना रिश्ता रहा है। वैष्णव बालासोर के कलेक्टर रहे हैं, वो एक IAS अधिकारी रहे हैं। 1994 में वैष्णव ओडिशा कैडर में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने बालासोर और कटक जिले के जिला कलेक्टर के रूप में सेवाएं दी। ये महज संयोग ही है कि जिस जिले में बतौर कलेक्टर वैष्णव ने काम किया था, उसी बालासोर में एक भीषण ट्रेन हादसे की वजह से रेल मंत्री होने के नाते वो ग्राउंड जीरो पर डटे दिखाई दी। अश्विनी वैष्णव ने 2019 में राजनीति में कदम रखा जब उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में चुना गया। उसके बाद 2021 में मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बना दिए गए। इस वक्त मोदी सरकार में वो रेल और सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार मंत्री हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में अश्विनी वैष्णव ने बतौर उप सचिव काम किया। वहीं जब वाजपेयी ने 2004 आम चुनाव में हार के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय छोड़ा, तो अश्विनी वैष्णव ने उनके निजी सचिव की भूमिका निभाई। अश्विनी वैष्णव ने सिविल सर्विस से VRS ले लिया था। इसके बाद उन्होंने दक्षिण एशिया में JE ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में बतौर प्रबंधक निदेशक अपनी सेवाएं दी। साथ ही सीमेंस कंपनी के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी विभाग के प्रमुख की भूमिका भी निभाई। 2017 के दौरान उन्होंने कई उद्यमियों के साथ मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया। इसके तहत उड़ीसा में आयरन ऑक्साइड पैलेट बनाने वाली एक कंपनी का अधिग्रहण किया। टाइम्स ऑन भारत डिजिटल की रिपोर्ट।